नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। एक घटना सामने आ रही है बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र से, जहां पर एक दूधिया सुबह रोजाना की तरह दूध बांटने निकला था, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। जी हां, पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी जांच के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। कौन अपराधी है जल्द ही इसका पता चल जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बिजनौर के खतापुर में राजवीर पाल नाम का दूधिया सुबह के वक्त बाइक पर दूध की केन रखकर रोजाना की तरह आज भी डोर टू डोर दूध बांटने के लिए निकला था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े रास्ते में सिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए हत्यारों की तलाश में 3 टीम गठित कर दी हैं। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम व एसपी ने बारीकी से जांच पड़ताल शुरू करते हुए बताया कि रंजिशन हत्या करने की बू आ रही है। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं अचानक हुए दूधिया की हत्या के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस पर क्या कहना है डॉक्टर धर्मवीर सिंह, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं बिजनौर के। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। थाना हल्दौर के खतापुर गांव के 800 मीटर बाहर राजवीर पाल नाम के एक व्यक्ति की, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, सर में पीछे से गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जानने वाले ने किसी रंजिशवश इनकी हत्या किया है। घटनास्थल के निरीक्षण से ये ज्ञात हो रहा है कि कोई इसमें परिचित व्यक्ति जरूर रहा होगा। घटना का मोटिव ज्ञात किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम एवं अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।